हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बड़ा सा फेस बना के दिखाऊंगा और उसको मोड भी करके दिखाऊंगा। तो बस ये जो दो बड़ा सा फेस मैं बनाऊंगा उसमें से एक फेस होगा 6 से 7 फीट मूर्ति के लिए और एक फेस होगा 9 से 11 फीट मूर्ति के लिए। मतलब कि ये जो दो फेस है ये बहुत ही बिग साइज फेस है और दोनों ही स्माइलिंग फेस है और दोनों फेस को ही मैं मोल्ड बनाऊंगा। तो आप में से अगर कोई ये मोल्ड खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अगर ये मोल्ड खरीदना चाहते हैं तो उस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। लेकिन गैस, आप अगर अदर्स कोई भी कस्टमाइज वर्क या फिर कोई भी कमीशन वर्क के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई भी कस्टमाइज वर्क नहीं करता। तो गैस, इससे पहले भी मैंने मोल्ड बनाने के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था और उस वीडियो में डिटेल में दिखाया था कि किस तरीके से आप POP का मोल्ड बना सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। तो गैस देखिए, मैं मिट्टी से जो फेस का आँखें है वो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, दोनों आँख को आपको सेम टू सेम रखना पड़ेगा। सेम टू सेम तो नहीं होता है, लेकिन आपको लगभग सिमिलर रखना पड़ेगा, क्योंकि दो आँखें अगर सिमिलर नहीं होगा ना तो आपका जो फेस है वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप ये कोशिश कीजिएगा कि दो आँखें सिमिलर रखें। उसके बाद दोनों आँखों के एकदम बीचों बीच जो नोज़ है वो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर नोज़ भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना तो भी आपका जो फेस है वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर जो मेजरमेंट है फेस का, उसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेजरमेंट ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका मेजरमेंट सही नहीं होगा ना तो बाद में आप चाहे कितनी भी फिनिशिंग क्यों ना कर ले, कितनी भी आप क्लीनिंग कर ले, आपका जो फेस है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कोई भी क्ली मॉडलिंग में जो सबसे ज़्यादा टाइम दे आता है वो है मेजरमेंट में। तो ये देखिए, मैंने नाक भी बना लिया है। अभी देखिए, मैं स्माइलिंग जो लिप्स है वो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, स्माइलिंग लिप्स भी मैंने इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है। तो आप अगर इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं समझ पा रहे तो आप वो सारा वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो देखिए, लिप्स मैंने लगभग बनाना कम्प्लीट कर दिया है। अभी देखिए, चेहरे के ऊपर में ये बाल बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखिए, मैं तो जब मोल्ड बनाऊंगा तब तो ये जो हेयर है इसको रिमूव कर दूंगा, लेकिन मैं अभी ये बाल इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक आइडिया लग सके कि ये फेस कंप्लीट होने के बाद कैसा लगेगा दिखने में। तो इसलिए जस्ट एक आइडिया के लिए इधर मैं हेयर को बना रहा हूँ। जब मैं इसका मोल्ड बनाऊँगा इस फेस का, तब मैं ये जो हेयर है ये कम्प्लीटली रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखो मैं लिप्स को फिनिशिंग कर रहा हूँ। तो ये जो फेस है, फेस में, लिप्स में, दांत में, आपको बहुत ही ध्यान से फिनिशिंग करना है। तो ये देखिए, ये आँख के अंदर मैंने दो मणि बना दिया। बाद में जब मोल्ड लूँगा तब ये भी मैं रिमूव कर दूँगा, जो मणि है ये मैं बिल्कुल प्लेन कर दूँगा। अभी मैंने ये मणि ड्रॉ किया सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक आइडिया करने के लिए कि जो दो आँख ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने ब्रशिंग कर दिया। आप देखिए, ये फेस बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। अब ये फेस मोल्ड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कैसा लग रहा है ये फेस, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये स्माइलिंग बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो चलिए, अब ये जो फेस है ये कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, ये दूसरा फेस है, ये एक बहुत ही बड़ा सा फेस है, ये 10 से 11 फीट मूर्ति के लिए, 11 फीट 12 फीट। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही एक क्यूट सा स्माइल है। तो ये फेस बहुत ही बड़ा है। तो गैस, ये फेस भी मैंने सेम वही तरीके से बनाया जिस तरीके से मैंने आपको पहला फेस बना के दिखाया। तो इसीलिए मैंने ये फेस आपको दोबारा नहीं दिखाया, क्योंकि तरीका सेम टू सेम ही है। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा फेस है। तो अब चलिए, ये फेस का भी मैं बाल रिमूव कर देता हूँ, जो हेयर है, और जो मोल्ड है वो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये पहले मैंने जो छोटा वाला फेस है वो ले लिया। अब देखिए, मैं इसका जो हेयर है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो देखिए, जो भी हेयर है उसका मिट्टी में यहाँ से निकाल देता हूँ, जो क्ले टूल्स है उसकी मदद से। तो ये देखिए, ऊपर से भी मैंने हेयर को निकाल दिया और दो साइड से मैंने हेयर को निकाल दिया। तो ये देखिए, ये बड़ा वाला फेस है, इसको भी मैंने सेम वही करूँगा, दो साइड से और ऊपर से मैं हेयर को निकाल दूँगा। निकाल के पूरा जो हेयर है उधर मैं बिल्कुल समान, मतलब प्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने पूरा मिट्टी को रिमूव कर दिया जहाँ पे हेयर बनाया हुआ था। तो रिमूव करने के बाद देखिए, पूरा एकदम प्लेन कर दिया। ये देखिए, अब प्लेन करने के बाद ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये है बॉर्डर, ठीक है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का बॉर्डर, मतलब इससे पार जो पीओपी का मोल्ड है वो नहीं जा पाएगा, इसीलिए मैं ये बॉर्डर दे रहा हूँ। तो बॉर्डर देना हो गए, आप देखिए मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैं पानी से मिक्स करता हूँ और उसके बाद इस जो फेस है इसको ऊपर में लगा देती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहला जो लेयर है वो आपको बहुत ही पतला देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पहला लेयर ज़्यादा हीवी देंगे तो आपको डिटेल्ड नहीं आएगा जो आपका मोल्ड है उसमें। तो इसीलिए पहला लेयर आप थोड़ा सा पतला करके देना होगा, उसके बाद आप धीरे धीरे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो थिकनेस है वो थोड़ा हेवी करना पड़ेगा, ठीक है। जब एंड में होगा तब आपको बहुत ज़्यादा हेवी करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा हेवी कर दिया है, अब देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मोल्ड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही जल्दी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है टाइट हो जाता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा जब आपका मोल्ड ख़त्म होगा उस टाइम पर। तो ये देखिए ये बड़ा फेस है, अब इसको भी सेम वही प्रोसेस में मैंने जो बॉर्डर है वो दे दिया। अब बॉर्डर देने के बाद फिर से वो जो प्लास्टर है यानी कि ग्रीन प्लास्टर, उसको मैं सबसे पहला लेयर दे देता हूँ। अब उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर जो वाइट प्लास्टर है उसको मैं दे दिया। अब ये ग्रीन प्लास्टर क्या होता है, वाइट प्लास्टर क्या होता है, ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिस वीडियो में मैंने मोल्ड बनाने का डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर। तो देखिए ये बड़ा फेस का मोल्ड भी मैंने सेम वही तरीके से बना जिस तरीके से मैंने पहला मोल्ड बनाया था, यानी कि सबसे पहले का लेयर बहुत ही पतला करके और धीरे धीरे आपका लेयर आपको थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे करके देखिए पूरा मोल्ड कम्प्लीट हो गया है। लगभग 2 से 3 घंटे बाद जब ये मोल्ड पूरा जम गया है, उसके बाद देखिए अभी मैं मोल्ड को रिमूव कर रहा हूँ मिट्टी से। तो ये देखिए मैंने मोल्ड को कुछ इस तरीके से रिमूव कर दिया। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर से मिट्टी को निकाल दूंगा तो हमारा जो मोल्ड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए जो दो मोल्ड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से एक मोल्ड है 10 से 12 फीट मूर्ति के लिए और ये छोटा वाला मोल्ड है 5 से 7 फीट मूर्ति के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मोल्ड बनाने के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आप ये मोल्ड बाय करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रहिए कि ये मोल्ड खरीदने के लिए आपको मेरा घर आना पड़ेगा, मेरा घर वेस्ट बंगाल में। तो अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।